शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि भारत एक हिंदू राष्ट्र, तो हम सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से ये समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब क्या। आनिकी दादा नमस्कार, मैं पहले आप सभी से क्षमा मांग लूंगा मेरा टूटा फूटा हिंदी के लिए, इसलिए कि मैं कभी औपचारिक ढंग से हिंदी सीखा नहीं। मैं जिस संस्था से सबसे ज्यादा आभारी हूं मेरा हिंदी ज्ञान के लिए, उस संस्था के नाम है बॉलीवुड। तो प्रश्न था कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है। ये हिंदू राष्ट्र एक ऐसा चीज है जो हिंदुत्व के ऊपर आधारित है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि हिंदुत्व क्या है। ये हिंदुत्व कोई थियोक्रेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम जैसा या क्रिश्चियनिटी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि हिंदुत्व का जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है, इसका प्रवर्तन किए थे इस कलकत्ता के एक मनीषी, जो कहने में मैं गर्व अनुभव करता हूं, उनका नाम था चंद्रनाथ बसु। चंद्रनाथ बसु सन 1892 में एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम था हिंदुत्व हिंदुर प्रकृत इतिहास। हिंदुत्व हिंदुर प्रकृत इतिहास, चंद्रनाथ बसु 1892। पर इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को लोकप्रिय किए थे, इसको पॉपुलराइज किए थे जो मनीषी, आप उनके नाम सब जानते हैं, विनायक दामोदर सभारकर। और ये चंद्रनाथ बसु के बारे में मैं भी नहीं जानता था। विक्रम संपत जी ने जो जीवनी लिखे हैं चंद्र का, सावरकर का, उससे मुझे पता चला कि ये चंद्रनाथ बसु ने किए थे। इसका जो हिंदुत्व जो कॉन्सेप्ट है उसका उसका बेसिक धारणा क्या है। बेसिक धारणा है कि जो इस भारत भूमि को मातृभूमि और पुण्य भूमि, मातृभू और पुण्य भू समझते हैं, वो ही हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, और वो इसी उन्हीं के लिए है हिंदुत्व। इसमें किसी का उपासना पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। कोई उपासना पद्धति के हिसाब से कोई इस्लाम में विश्वास रखते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखते हैं, कोई सिखी में विश्वास रखते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमात्र फर्क पड़ता कि हम इस भूमि को मातृभू और पुण्य भू समझना चाहिए, और ये कई बार सावरकर जी ने प्रकट किए हैं। और जो प्रश्न था कि ये हिंदू भूमि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जो हिंदुत्व के ऊपर आधारित है।